हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद से शायद राज कॉमिक्स पर मनीष गुप्ता कैंप से मैं कम्प्लीटली बैन होने जा रहा हूँ। क्योंकि अब हम भी कब तक सपोर्ट करें। लास्ट वीडियो में मैंने अप्रिसिएशन के तौर पर सर्वसत्र वाली बात भी कही थी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मिस्टेक को समझा और उसको सुधारते हुए मुझे कॉमिक्स भेज दी। लेकिन क्या इस मिस्टेक को सुधारने से वो सारी मिस्टेक सुधर जाएंगी जो इन्होंने इन ढेर सारे कलेक्टर एडिशन में की है? इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 कलेक्टर एडिशन दिखाने जा रहा हूं, जो अपने आप में सफिशियंट रीजन है कि क्यों आपको ये कलेक्टर एडिशन खरीदने से बचना है, कंप्लीटली बचना है। हो सकता है आप इनको 50% ऑफ पे भी परचेज करना ना चाहें। तो दोस्तों, मैं अपनी सारी बात सही तरीके से रखने वाला हूं, क्योंकि मैंने सारे परचेज किए। इसमें से कुछ मैंने अपने मन से परचेज किए थे, क्योंकि उसमें मेरी फेवरेट कॉमिक्स भी थी, और कुछ मैंने यूं ही परचेज किए थे क्योंकि मैं लगभग सारे कलेक्टर एडिशन परचेज करता रहा हूं। तो मैंने तो दोस्तों कंप्लीटली ना कर दिया है, जितने पेमेंट चली गई है बस वही कलेक्टर एडिशन आने वाले हैं। आज के बाद, अब के बाद मैंने बिल्कुल लेना परचेज बिल्कुल बंद कर दिया है। शायद आप भी इसके बाद इसको ना परचेज करें। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में दोस्तों भर भर के अपने मन की बात रखिएगा सम्मानजनक तौर पे, क्योंकि कॉमिक्स जैसी भी हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन एक उनकी कमी यह है कि वो अपनी चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते। एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है कि भैया क्वालिटी के साथ आप चीज़ को दीजिए, क्योंकि आपने मूल्य दुगना कर दिया है। लेकिन तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। हम बात करते हैं दोस्तों फटाफट से इन सब कलेक्टर एडिशन। तो दोस्तों, सबसे पहला तो सर्वसत्री है, जिसके बारे में मैं सारी बातें अपने पिछले वीडियो में आपसे कर चुका हूं, तो वो तो आप वहां पर देख ही सकते हैं, इसलिए इसको तो हम साइड कर देते हैं। इसकी ऑलरेडी बहुत 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 बेइज्जती हो चुकी है आर्ट वर्क लेके, कहानी को लेके, और अब इस स्पेशल कलेक्टर एडिशन को लेके, जिसमें स्पेशल बहुत कुछ हो सकता था, बट ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गया, चाहे वो कहानी हो चाहे कलेक्टर एडिशन की क्वालिटी हो। दूसरी आ जाती है दोस्तों गेम ओवर। मैंने ये कलेक्टर एडिशन दोस्तों मंगा लिया था, क्योंकि इस पर एक नया कवर आर्ट था, और देव ने कहा कि भाई इतने सारे कलेक्टर एडिशन लेते हो तो एक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, एक और ले लो। मैंने इसको अपने पास मंगाया, लेकिन इसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मेरी इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो मैं दोस्तों यकीन जानिए इसको पूरा तो पढ़ ही नहीं पाया, कहानी के तौर पर ये बहुत वाहियात है। उसके साथ साथ ये दोस्तों क्वालिटी के मामले में भी कुछ खास नहीं है। ये जो कलेक्टर एडिशन है दोस्तों, सबकी एक खास बात ये है कि अगर आप पुराने वाले कलेक्टर एडिशन देखेंगे जो बेकार थे, पुराने वाले से मेरा मतलब ये है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हुए, जो बेकार थे, हम उनकी लाख बुराइयां करते थे, वो हमको महंगे भी लगते थे, उसमें कवर आर्ट्स नहीं होते थे, उसमें एड पेजेस बीच में घुसा दिए जाते थे। लेकिन उसमें दोस्तों एक चीज़ थी कि ये आप येलो पेज देख रहे हैं, उसके अलावा एक और येलो पेज होता था जो इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करता था, ताकि ये उखड़े ना। अभी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है, वो भी आप अगले कलेक्टर एडिशन में देखेंगे। तो इसको दोस्तों पढ़ तो मैं बिल्कुल पाया ही नहीं, साथ में अगर क्वालिटी की बात करूँ तो वो यहाँ से ये निकलने लगी है, और अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जो इसका लेमिनेशन है ये बहुत बुरे तरीके से कुछ ही बार में, यानी कि मैंने पूरी नहीं पढ़ी है अभी, अभी मैंने इसके सिर्फ 20 पेज पढ़े थे, उसके बाद मैंने तो तय कर लिया था इसको पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि आर्टवर्क भी इसमें कुछ खास नहीं है और कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी है इसकी। तो 550 रुपये, अगर आप डिस्काउंट भी लगा लें 55 रुपये का 10% वाला, तो भी ये पढ़ने लायक नहीं बनता। अगर आप इसको बैक साइड में देखें तो ये यहाँ से दोस्तों काफ़ी हद तक निकल चुका है, और इसका जो पार्ट है ये पेजेस जो है लटकने लगे हैं, ये देखिए बहुत जल्दी यहाँ से भी ये निकल जाएगा। तो इसको आप परचेज ना करिए। 250 रुपये में भी अगर आप लेते हैं तो सोच लीजिएगा कि 250 रुपये में बहुत अच्छी कॉमिक्स हैं, राज कॉमिक्स की ही हैं, मनोज गुप्ता जी ने ही पब्लिश की हैं, पेपरबैक के तौर पे आप उनको इजीली परचेज कर सकते हैं। कलेक्टर एडिशन में कुछ स्पेसिफिक कलेक्टर एडिशन हैं जो अच्छे हैं, जिनका वीडियो मैंने किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाली कंप्लीट नो है, क्योंकि इसमें ना कहानी है, ना क्वालिटी है, ना स्टोरी है, ना आर्टवर्क है, सिर्फ एक ये फ्रंट कवर है जो इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा, ठीक ठीक था, ओकेज था। फिर आता है दोस्तों वंडरमैन परमाणु। इसको तो मैंने एक बार खोला है सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर से कैसी है, टिकाऊ है या नहीं है, और उसी में दोस्तों इसका आप लेमिनेशन का हाल देख सकते हैं। ये साइड से पूरी जो इसका लेमिनेशन था वो वाइट हो चुका है, यानी कि वो छूटने लगा है पूरी तरीके से। सिर्फ इतने से इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ इतना सा हुआ है कि इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ ओपन करके चेक किया है कि क्या इसको मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा कह सकते हैं या नहीं।
क्योंकि दोस्तों इसकी कॉमिक्स के अंदर की जो सॉरी इस कलेक्टेड एडिशन के अंदर की जो कॉमिक्स हैं वो आप जानते हैं कैसी हैं, परमाणु की शुरुआती कॉमिक्स हैं। इसका जो कवर आर्ट है वो एक अच्छा सा है, काफ़ी अच्छा उसको बनाने की कोशिश की गई है। 900 रुपये मूल्य का ये आ जाता है जिसके अंदर 6 कॉमिक्स हैं दोस्तों। तो आप अपने विवेक से डिसाइड करिए कि क्या इन 6 कॉमिक्स के लिए परमाणु की आप 900 रुपये या इवन 450 रुपये भी, जो अगर आपको 50% मिलता है तो आप उसको खर्च करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि इसमें भी दोस्तों वही पेज वाली दिक्कत है और बाइंडिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैंने इसको पढ़ा नहीं है तो अभी तक तो फिलहाल ये टिकी हुई है, बाकी भगवान मालिक है अगर इसको मैंने पढ़ा तो उसके साथ क्या होगा। इसमें आपको एंड में कवर पेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है, एड पेजेस भी हैं। तो इसमें एक मतलब अगर ये कॉमिक्स अच्छी होती, कहानियाँ अच्छी होती तो इस वाले को आप वाकई में ले सकते थे, लेकिन अंदर की जो प्रिंटिंग है वो पेपरबैक जैसी ही है। अगर आप देखें भी इसको क्या ही दिखाया जाए, कुछ खास नहीं, मतलब कई जगह पे ब्लरिश हो जाता है, कई जगह पे जो पेजेस हैं वो रफ होते हैं, किस अगला पेज आपका ग्लॉसी में आ जाता है, कहीं पे जो इंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं। तो ये तो उनकी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हाईलाइट ना भी करें तो वो उनका एक इंटीग्रल पार्ट है मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स का। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे पास आती है भोकाल उत्पत्ति श्रृंखला। रे भाई साहब, ये कॉमिक्स हमने इस डाइजेस्ट के फॉर्म में ली थी और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस कलेक्टर एडिशन से लाख गुना बेहतर ये डाइजेस्ट है। 150 रुपये इसका मूल्य था और इसका 1000 रुपये का मूल्य है। 500 रुपये में भी क्या आप ये 8 कॉमिक्स लेना पसंद करेंगे वो आप सोचिएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का कलर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। आपको ये बहुत ज़्यादा उभरे हुए, बहुत ज़्यादा ब्लीड होते हुए कलर्स मिलते हैं, फैले हुए से, जिनको किसी भी तरीके से सुधारने की कोशिश नहीं करी गई। हम मानते हैं कि जो ओरिजिनल पब्लिश हुआ होगा उसमें गलतियां होंगी, क्योंकि वो पेपर रफ होते थे, उस पे कलर्स पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इससे ज़्यादा बेटर कलर्स को सुधारने की कोशिश इस वाले कलेक्टेड में की गई है, जो बहुत समय पहले आ गया था। इसमें ना कोई एड पेजेस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कवर आर्ट्स आपको बीच में मिलती हैं, पेज नंबर्स जो हैं वो आपको इसमें प्रॉपर नीचे देखने के लिए मिल जाते हैं जो पड़े हुए हैं। प्रॉपर काम इसमें किया गया था, यानी कि इससे बेटर ये वाला है, पुराना मिल रहा होगा कहीं आपको 200-250 रुपये में ना, ये ब्लैक में मैंने इसको 300 रुपये का लिया था, 300 रुपये में ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें सिर्फ एक फ्रंट कवर है, कवर्स भी सारे दोस्तों क्योंकि एक ही आर्टिस्ट है वो एक ही तरीके के से लगते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही बंदा जो है यूनिफॉर्म चेंज कर करके आ रहा है। अगर कुछ इस तरीके के आर्टवर्क मिलती, कुछ इस तरीके के कवर आर्ट्स मिलते, नई आर्ट को कुछ इस तरीके से बनाया जाता वो एक अलग बात होती। फिर दोस्तों क्वालिटी तो इसमें सेम उसी तरीके की जैसा अभी तक हमारे सामने आए हैं, और उसको पढ़ने की कोशिश में ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से उखड़ना शुरू हुआ है, क्योंकि एडिशनल पेज नहीं है तो ये पक्का पक्का जाएगा। बैक साइड में अगर मैं आ जाऊँ तो बैक में भी इसका कुछ ऐसा ही हाल होने की संभावना है, लेमिनेशन सभी का उतर जाता है। मतलब एक बार ऐसा लगता है यार कि मैं लगता है मुझे किसी ने पैसे दे दिए कि मैं इनकी बुराई करने के लिए बैठ रहा हूँ, लेकिन पैसे किसी ने मुझे नहीं दिए, मैंने दिए हैं इन चीज़ों को परचेज करने के, और क्वालिटी बद से बदतर हो गई है। इनिशियली कलेक्टर एडिशंस आ रहे थे जिनको हम गत्ता एडिशन बोल रहे थे, वो फिर भी बेटर थे, उनमें थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा था कि उनका प्राइसिंग भी ठीक ठाक था। और इसमें तो आते आते ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब मैं बिल्कुल हाथ जोड़ चुका हूँ। पेपर बैग्स भी जो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है उसमें, बट ये है कि कलेक्शन पूरा करने के तौर पर लोगों ने उसको लेके रख लिया है। 100, 120, 160 रुपये तक वो जा चुके हैं, और तो अब तो लगता है कि इन सब रीप्रिंट्स को ही टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। 550 रुपये का दोस्तों ये आता है हमारे पास आतंक, जिसने आतंक मचा दिया। लेमिनेशन का दोस्तों सबका ये हाल है कि आप एक बार पढ़ लो ये लेमिनेशन छूट जाएगी पूरी तरीके से, और फिर आप इसको ओपन करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपका जाने लगेगा। तो इस आतंक में दोस्तों कोई ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स नहीं है, तो 2 कॉमिक्स हैं जिसको आप अगर शायद 120-120 रुपये की आई थी, 240 रुपये की ये पड़ी थी, इस पर नए कवर आर्ट के साथ आपको ये 550 रुपये का मिल जाता है। 50% डिस्काउंट पर मिले तो इसको ले लेना, वरना इसको लेने की कोई ऐसी नीड नहीं है। शक्ति आगमन, 4 बहुत बेहतरीन कॉमिक्स इसके अंदर हैं, कहानी बहुत शानदार है, तो कहानी के तौर पे आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में ये बुरी तरीके। मेरा माइक भी चुप हो गया कि भाई अब तो चुप जा, कितनी बुराई करेगा। तो दोस्तों क्वालिटी के तौर पे ये बड़ी वाहियात निकली, इसमें से मैंने पहली कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश की थी, और आप देखिए क्या इसके साथ हो चुका है। बांबी में पढ़ रहा था तो पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है, सिर्फ देखी है, क्योंकि कॉमिक्स ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, ये वाली पेपर बैग भी खरीदे थे, लेकिन ये शुरुआती कोशिश में ही उखड़ के आ गया। एडिशनल पेज यहाँ पे अगर रहा होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन कॉस्ट कटिंग इतनी कर रहे हैं क्योंकि हमें सस्ती कॉमिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। 1000 रुपये में 4 कॉमिक्स दे रहे हैं भाई साहब, 2000 रुपये की चीज़ बनती है कम से कम, ये क्या सोच रहे हो, पेपर सस्ता थोड़ी है। पीछे इसमें आपको दोस्तों कवर आर्ट देखने के लिए मिलेंगी, अंदर से कॉमिक्स है बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी है, लेकिन जिस गत्ते के दम पे बेचा जा रहा है वही फट गया तो क्या फ़ायदा। फिर आती है दोस्तों फ्रेंडी, फ्रेंडी ठीक ठाक निकली, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ा है, इसको तो मैं गिफ्ट करने जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड को,
और इसमें दोस्तों एज इट इज शुरुआत हो जाती है, कलर्स को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, कलर्स वही ब्लीड हो जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही शिकायत करें, क्या ही बुराई करें। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाता हूँ देखो कि मतलब किस लेवल का है, कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं 600 रुपये। कॉमिक्स हैं इसमें 5, 32 पेज वाली तो होती है सारी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 32 32 पेज की 5 कॉमिक्स है दोस्तों, 500 रुपये की बन जाती हैं, 100 रुपये गत्ता हो जाता है। नहीं आपसे वो कर रहे डिस्काउंट के तौर पे, लेकिन आप देखिए इसमें जो कवर पेजेस दिए गए हैं, तो चौथे और पांचवें को एक ही पेज पे चिपका दिया गया है। इतनी कमी है पेजेस की, इतने महंगे पेज दोस्तों ये पड़ रहे हैं इनको, कि इनको 2 4 6 पेज लगाने के नाम पे इनकी। फिर आती है दोस्तों कोबी और भेड़िया, ये कॉमिक्स हर कॉमिक प्रेमी की पसंद है, और जो लोग इनके ये घटिया वाले कलेक्टर एडिशन नहीं भी खरीदना चाहते थे, कोई सा भी नहीं लेना चाहते थे, उन लोगों ने भी इसको प्रेफरेंस दी, क्योंकि ये वो कॉमिक्स है जिसने कोबी भेड़िया को एक नए रूप में स्थापित किया था, और बहुत ही आइकॉनिक कॉमिक्स अपने आप में ये आई थी। और इसके साथ उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ 2 कॉमिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमिक्स के लिए हमसे 550 रुपये लिए जा रहे थे। मैंने डिस्काउंट पे इनमें से कोई भी नहीं खरीदा, आने के साथ ही सब खरीदी हैं, 10% डिस्काउंट पे लिए हैं, तो हम तो भैया नॉर्मल तौर पे बात करेंगे, तो इस पैसे पे हमने ये खरीदी थी, और इसके बदले हमको मिला क्या? जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए इसके साथ क्या हुआ। मैंने पढ़ी नहीं है अभी ये कॉमिक्स, क्यों? पढ़ने के लायक तो इसमें कुछ रहता ही नहीं है, ये उखड़ गया। अब आप पढ़ लो इसको, फट तो गई है, मतलब कॉमिक्स निकल चुकी है, एक पेपर लगा दिया है कि भाई साहब ये लो कवर आर्ट, अब बाढ़ में जाओ, वो नहीं आता है तेरे नाम वाला फीम ले रहे, हेरा तेरा ब्रेड और ये रहा तेरा दूध नहीं खाना, तो कुछ ऐसी स्थिति में सामने फेंक दिया गया। ये रही तुम्हारी किताब कॉमिक्स, और इसको रख लो, खरीदनी है खरीद लो, मैं तो बेच रहा हूँ, तुम तो मरते रहो कॉमिक्स के लिए, नॉस्टैल्जिया में जीते रहो, और मैं बेचता रहूंगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर आती है दोस्तों ये वाली कॉमिक्स, 80% 1500 रुपये मूल्य में है, क्वालिटी बढ़िया है, बिग साइज में है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ कटता कहाँ पे? अभी तौसी की हमारे पास 10 कॉमिक्स का एक कलेक्टर एडिशन आया था, जो लगभग इससे कम मूल्य का था, उसमें स्लिप केस था, एडिशनल आर्ट थी, एडिशनल जैकेट थी, और आपको बहुत सारी अंदर एडिशनल चीज़ें मिली थी, जिसमें आपको सिर्फ 4 कॉमिक्स मिलती हैं, 4 कवर पेज मिलते हैं, एडिशनल कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों 750 750 रुपये में अगर आपको मिल रहा है 50% पे, 40 50% पे, या कोई सेकेंड हैंड बेच रहा है मेरी तरह चेता हुआ बंदा, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन तौसी आप जानते हैं कितना पढ़ने लायक है। टोड फोड़ भी दोस्तों कुछ कुछ उसी कैटेगरी में आता है, इसको तो मैंने खोला ही नहीं अभी तक, तो बाकी क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पे भी वही घटिया हरकत आपको देखने मिलेगी, कि 2 कवर आर्ट एक ही पेज पे चिपका दिए गए हैं। तो ये दोस्तों कुछ 10 कलेक्टर एडिशन हैं, ऐसे बहुत सारे कलेक्टर एडिशन हैं जो हमने खरीदे हैं पहले भी, और उनको हम लेते रहे हैं। लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये बिल्कुल भी पैसा लगाने के लिए नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं लगभग 4 5 हज़ार रुपये तो इसी में फूक चुका हूं। तो 5 हज़ार रुपये मजाक नहीं होते, 5 हज़ार रुपये में आपको ये फ्लैश का ऑमनिबस मिल जाएगा, जो अपने आप में बेहतरीन रीड है। एक बार लेके बैठ जाओगे ना, तो जितने में ये सारे खत्म हो जाएंगे, उसे तिगने चौगने टाइम ये चलेगा, और आप 10 लोगों से डिस्कस करते फिरोगे भाई क्या कहानी थी, इन्हीं से तो लेके इनमें कुछ कहानी आई है। बाकी जितने भी आपके पास रखे हैं 5 हज़ार रुपये में, तो दोस्तों कोई सा भी आप उठा सकते हो, पेपर बैग इनके ले लो, बाकी पैसा आप यहाँ लगा लो। मार्वल डीसी की बात नहीं कर रहा, और पब्लिकेशंस भी हैं जिनमें से कुछ सीरियसली वर्क कर रहे हैं, कुछ तो बेचारे फेक आईडी बना के डैंक में बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जेन्युइनली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक्स लेके आ रहे हैं, उनके साथ आप पैसा लगाइए, उनकी किताब को बिना डिस्काउंट के परचेज कर लीजिए इन सबको लेने की बजाय, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरीके के कॉमिक्स को नहीं बचा रहे। और अब मेरा दिमाग सीरियसली ओमनीबस के लेवल पे जा रहा है ध्रुव वाले पे, तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप बताइए आपको इसमें सबसे वाहियात क्या लगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ऐसे ही वीडियोस में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमिक्स की, गैजेट्स की, एंटरटेनमेंट की, टैक की, और सब कुछ की। दोस्तों तब तक के लिए जय श्री।